गुजरात के कुछ लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में स्कूल और अस्पतालों की कमियां निकालने के लिए बुलाए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आइडिया उनका ये था कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिससे आज गुजरात में वो लोग घबराए हुए हैं, उसमें दिल्ली में आके कमियां निकालेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि गुजरात का भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया। इस तरह सभी राज्यों के प्रतिनिधिमंडल एक दूसरे के राज्य में जाने चाहिए, पार्टियों के भी जाने चाहिए, एक दूसरे से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और कहीं कमी होगी तो वो भी बताना चाहिए। तो ये एक अच्छी शुरुआत मैं मानता हूँ। मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात को बार बार कहते हैं कि राजनीति में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में जिस दिन राजनीति होगी उस दिन देश का बहुत भला होगा। राजनीतिक पार्टियों को, सरकारों को हमेशा दूसरी राजनीतिक पार्टियों, दूसरी सरकारों के काम से सीखने समझने को तैयार रहना चाहिए, और हमको भी एक सरकार के रूप में, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और हम तैयार हैं कि देश की किसी भी पार्टी के, देश की किसी भी सरकार के लोग आएंगे तो हम उनको अपना काम बताएंगे, उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे तो उसको भी समझेंगे, समझाएंगे। लेकिन क्योंकि उनकी नीयत पूरी ये थी कि जी कमियां निकालेंगे केजरीवाल मॉडल में, तो बहुत कमियां हैं, तो पहले दिन से मीडिया के सामने यही रखा गया कि केजरीवाल मॉडल की पोल खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आ रहा है। मीडिया के सामने इसी तरह से पेश किया गया उस पूरे प्रतिनिधिमंडल को, उसमें कुछ पूर्व विधायक, कोई पूर्व मंत्री, प्राइवेट स्कूल चलाने वाले लोग, प्राइवेट कॉलेज चलाने वाले लोग, इस तरह के लोग थे। तो दो दिन के लिए प्रतिनिधिमंडल आया था और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसदों के साथ पूरी दिल्ली में घूमा। बीजेपी के सांसद उन विचारों को लेकर पूरी दिल्ली में धक्के खाते रहे कि कहीं तो कोई स्कूल ऐसा मिलेगा, कहीं तो कोई मोहल्ला क्लिनिक ऐसी मिलेगी जिसकी खामियां हम रख के जाएंगे गुजरात में कि साहब देखो केजरीवाल जी के मॉडल में स्कूल इतने ख़राब हैं, अस्पताल इतने ख़राब हैं, मोहल्ला क्लिनिक इतने ख़राब हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व है केजरीवाल जी के काम पर, केजरीवाल सरकार के काम पर, कि दो दिन तक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पूरी दिल्ली में झक मारता रहा, खाक छानता रहा, लेकिन उसको कुछ ऐसा नहीं मिला जिसको लेके वो कह सके कि साहब देखो ये इसमें लूपोल्स हैं, ये बड़ा ख़राब कर रखा है। दो दिन तक जब वो कई स्कूलों में गए तो जिस मोहल्ला क्लिनिक में वो गए वहाँ लोग मिलते थे, वो कहते थे देखो बताओ जी क्या खामी है, बोले जी बहुत बढ़िया डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, हमें क्या दिक्कत है। लोग डॉक्टर कहते थे उनसे कि जी हमसे पूछो हम बताएंगे आपको, उनसे बात नहीं करते थे, भाग जाते थे वहाँ पे। तो जिस मोहल्ला क्लिनिक में भी गए वहाँ डॉक्टरों ने कहा जी हमसे बात करो, मरीजों ने कहा जी हम बताते हैं कितना अच्छा चल रहा है, वहाँ से भाग गए, किसी से बात बात नहीं की, बस इधर उधर के फ़ोटो खींच के भाग गए। फिर स्कूलों में गए, स्कूलों में भी आजकल स्कूल तो बंद हैं पर फिर भी बिल्डिंग देख रहे होंगे, नई बिल्डिंग बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो स्कूलों में भी बेचारों को कुछ नहीं मिला। अंत में हार के नॉर्थ ईस्ट के एक मोहल्ला क्लिनिक के सामने बेचारे फ़ोटो खिंचा के आए जिसको NGT के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था, उसके सामने बेचारों ने फोटो खिंचाई कि जी ये देखो केजरीवाल जी का मॉडल बंद पड़ा है, वो तो NGT के ऑर्डर से बहुत पहले बंद हो चुका है। फिर एक स्कूल में उनको भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद लेके गए, देखो जी केजरीवाल मॉडल में ये खामी है, उसमें पता चला कि बहुत शानदार नई बिल्डिंग बनी है, शानदार क्लासरूम्स बने हुए हैं और उसका एक स्टोर है, वहाँ पर डेस्क रखी हुई हैं बहुत सारी। बेचारों को वो कुल मिला के स्टोर मिला दिखाने के लिए कि देखो जी एक स्टोर जैसा है। अरे स्टोर में गए तो स्टोर ही मिलेगा ना, स्टोर तो स्टोर जैसा ही होगा। उसके बाहर निकलते ही उसी स्कूल की शानदार नई बिल्डिंग, उसी स्कूल के शानदार नए क्लासरूम, अब क्या बोलते बेचारे। तो कुल मिला के एक स्कूल के जिसमें शानदार नई बिल्डिंग और शानदार नए क्लासरूम भी बने हुए हैं, एक स्टोर में घुस के फ़ोटो खिंचा लिया, एक NGT के आदेश के बाद बंद पड़ी हुई मोहल्ला क्लिनिक के सामने फ़ोटो खिंचा लिया क्योंकि केजरीवाल मॉडल की खामियां निकालने आए थे, तो खामियां तो मिली नहीं, अब फ़ोटो खिंचाने के लिए एक दो जगह फ़ोटो खिंचा लिए उन्होंने। उसके बाद उनको बड़े तामझाम से आप मीडिया के साथियों को भी इन्फॉर्म किया गया था कि 4 बजे भारतीय जनता पार्टी का गुजरात मॉडल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल के मॉडल की पोल खोलेगा। अब पोल तो तब खुलेगी जब कुछ मिला होता, उनको कुछ मिला नहीं, बेचारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अपनी कैंसिल करनी पड़ी। तो मैं इसमें कुछ गलत नहीं देखता,
भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के प्रतिनिधिमंडल का हम फिर से भी स्वागत करेंगे अगर आना चाहेंगे तो। और हम ये भी चाहेंगे कि हमारा भी प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर जाए और गुजरात सरकार, गुजरात की पार्टी, जैसे हमने उनको कहा था कि आप दिल्ली के जिस कोने में चाहो, जिस स्कूल में चाहो, जिस मोहल्ला क्लिनिक में चाहो, आप बताओ, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे वहाँ पे, हम आपका स्वागत करके आपको दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि उनको तो कुछ नुक्स निकालने थे तो नुक्स भी नहीं मिले उनको, लेकिन अपने उससे गए, हमारा प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा वहाँ। लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत के रूप में मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों में, सरकारों में आपस में कॉम्पिटिशन भी होना चाहिए और एक दूसरे से सीखने की परंपरा भी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से गुजरात का प्रतिनिधिमंडल आता, कई राज्यों के आते रहते हैं कि साहब हमें बताइए क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या खराब है, क्या चैलेंजेस हैं, कहाँ कमियाँ रह जा रही हैं। हम उनको सब बताते हैं, हम उनके सामने सब दिखाते हैं, पर क्योंकि वो अलग मंशा से आए थे, उनकी नीयत खराब थी, तो फिर भी जिन जिन स्कूलों में गए, जिन जिन मोहल्ला क्लिनिक्स में गए, उनको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला होगा, तो कुछ तो नया सीखा होगा। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को, गुजरात के प्रतिनिधिमंडल को भी समझ में आया होगा कि केजरीवाल मॉडल में काम तो इतने हुए हैं कि इसकी कमियां ढूंढना मुश्किल है।